मैनपुरी में कोविड-19 महामारी से लड़ने का प्रयास सरकार और समाज के लोग दोनों मिलकर करेंगे तो 100% कोरोना वायरस हारेगा और हम जीतेंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए जिला मैनपुरी प्रशासन ने समाज और सरकार को आईना दिखाया। सभी इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के लोगों की एक लिस्ट बनाकर उनके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को टीकाकरण लगाने का कार्य किया गया। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी पत्रकारों से निवेदन किया है कि आप अपनी स्वेच्छा से कोविड महामारी से बचने के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। जानकारी देते हुए जिला सूचना अधिकारी जहीर खान ने बताया कि आज 60 लोगों के नाम भेजे गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार शामिल हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी पत्रकारों को सुरक्षा की दृष्टि से कोविड का टीकाकरण कराया जा रहा है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर, रामजीलाल गोस्वामी, अजय दीक्षित, दीपक कठेरिया, एएस यादव आदि कई पत्रकारों ने एक साथ कोविड-19 का टीकाकरण कराया। कैंप की जगह पर टीकाकरण कराने की पत्रकारों में होड़ सी लगी रही और लगातार टीकाकरण वे करवाते रहे। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर ने समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि कोविड टीका लगाने से अपनी जिंदगी को और अच्छे से बचा सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें। कोविड टीका लगाने के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ना भूलें। हाथ को बार बार धोएं। उन्होंने ये भी बताया कि टीका लगाते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें और अपने दैनिक कार्य करें और समाज को जागरूक करने का कार्य जरूर करें। आज किस तरीके से कोवैक्सीन लगवाई जा रही है और किस किस को लगाई जा रही है, क्या गाइडलाइन है? शासन के निर्देशानुसार जिला अधिकारी के आदेश के क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के मीडिया कर्मी को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिसमें 60 लोगों की सूची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से अब तक 18 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, बाकी का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ है। टीका पूरी तरह सुरक्षित है। क्या गाइडलाइन दी गई है? टीकाकरण के बाद में कोविड नियमों का पालन करें, मास्क से अच्छी तरह नाक मुंह को ढककर रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, समय पर अपनी दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। वैक्सीन है ये कोरोना से बचाती है, इसके लगने के बाद हल्का फुल्का फीवर या पेन वगैरह हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे लग जाए अगर फीवर आ जाए तो पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। और इसे लगने के बाद ये ना सोचें कि ये वैक्सीन लग गई है तो मैं कोरोना नहीं हो सकता, फिर भी अपनी सेफ्टी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, इसे लगने के बाद भी आपको 2 गज की दूरी मास्क जरूरी इस चीज़ का पालन करते रहना। आपका क्या नाम है? हंस की राज। ये कहाँ क्या क्या किया जा रहा है, यहाँ कहाँ लगवाया जा रहा है? ये DM साहब के आदेश अनुसार यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जिसके इसमें पत्रकार लोगों का ये वैक्सीनेशन हो रहा है। ये अजय सिंह भास्कर जो है सर, उनके वैक्सीनेशन अभी लगाया गया है। आए हुए किसके लिए आए हुए, क्या गाँव में आज कोवैक्सीन जो है लगाई गई है सभी पत्रकारों को? करीब 60 पत्रकार जो जनपद गए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सभी पत्रकारों को आज कोवैक्सीन लगाई है। मैं अजय सिंह भास्कर जिला संवाददाता न्यूज़ वर्ल्ड चैनल से, आज मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई है। मुझे लगा है कि कोवैक्सीन से कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे जब लगाया गया तो बहुत अच्छे से लगा, कोई दर्द नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कोवैक्सीन एक सरकार की ऐसी वैक्सीन है, टीकाकरण है, जिससे आपकी आपको लाभ मिलेगा, इससे कोई परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई परेशानी होगी ना कोई परेशान हो। तो इसे कोवैक्सीन जहाँ पर भी जिस CSC जिस हॉस्पिटल में आपको लग रही हो आप लगवाइएगा, और ये सबसे अच्छी बात है कि आप सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सुरक्षित रहें, कोवैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके लिए नियम क्या क्या बताए? नियम कुछ भी नहीं, बढ़िया खाना खाइए, बढ़िया भोजन खाइएगा, और ये इस गलत फहमी का शिकार ना रहिएगा कि आप कोवैक्सीन लगा लिए तो आपको कुछ होगा नहीं। तो देखिए, आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये तो आप हमेशा ही अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए करते रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी अपनी अनमोल है और आपकी ज़िंदगी को बचाने का आपका दायित्व बनता है। तो आप थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से मास्क तो आप बिल्कुल ना उतारिए, और बगैर किसी फालतू ना घूमिएगा, भीड़ भाड़ से दूर रहिएगा, घर में सुरक्षित रहिएगा,
और यही मैं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी के लिए कोवैक्सीन और सरकार की गाइडलाइन बहुत आवश्यक। जय हिंद।